कोटा एक बड़े बाजार में बदल चुका है। विदेशी कंपनियां भी इस बाजार में कूद रही। 22 अप्रैल को आत्महत्या कर ली। कौन हूं मैं, किस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री का। कोटा एक वो जगह जहां पे हर एस्पिरेंट जाना चाहता है, एक वो जगह जहां पे लोगों के सपने पूरे होते हैं, या फिर एक वो जगह जहां से टॉपर्स निकलते हैं। बट ये सच नहीं है। कोटा के पूरे कोचिंग उद्योग की बात करें तो ये करीब 2000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और इंजीनियर बनने के सपने संजो करके कोटा आने वाले छात्रों की सुसाइड के मामले लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हर साल लगभग 2 लाख बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। इसमें हर तरह के लोग होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, और उस कैटेगरी से आए हुए लोग भी होते हैं जिनके माँ बाप ने अपनी जमीनें बेच के उनको बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा भेजा होता है। बट हाँ, मानता हूँ मैं कि कोटा में पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिलता है, कोटा में से रैंक्स निकलते हैं, बट ये पूरा सच नहीं है। सबसे ज्यादा सुसाइड्स भी कोटा से ही रिपोर्ट होते हैं। बट ऐसा क्यों, 2 लाख की भीड़ में से इन रैंकर्स को निकाल दिया जाए तो बाकी के बच्चों का क्या होता है, ये कोई नहीं पूछता। कोटा एक एजुकेशन फैक्ट्री तो बन ही चुका है इंडिया का, बट कई स्टडीज ये भी कहते हैं कि कोटा इंडिया का अब सुसाइड फैक्ट्री भी बन चुका है। बट ऐसा क्यों, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बच्चे का कोचिंग में कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लगता है, और उसके पीजी की जो फीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 हज़ार रुपये होती है। तो मतलब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कोटा में आपके लाखों रुपए लगते हैं, और सब अमीर नहीं होते। जो हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली फैमिलीज हैं, आप जरा इमेजिन करिए, लाखों रुपए एक बच्चे की पढ़ाई पे लगाना। उस बच्चे को भी पता है कि उसके ऊपर इतने पैसे लग रहे हैं, ऊपर से उसके ऊपर और भी प्रेशर है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है। कई एस्पिरेंट्स ने यह बताया है कि कोटा में उनको सपने तो बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं, पर कोचिंग में एंटर करते ही सबसे पहले उनको एक बैच सिस्टम से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक टॉपर्स के लिए तो उन्होंने एक अच्छा अलग बैच बनाया होता है हर कोचिंग में, लेकिन जो बैंकर्स होते हैं जो उनके पैसे भरते हैं, उनके लिए एक अलग बैच बनाया होता है। टीचर्स अक्सर उन लो बैचेस वाले बच्चों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें उन बच्चों से मतलब नहीं है, उनके पैसों से मतलब होता है। ऑब्वियसली एक कोचिंग चाहती है कि उनको एक रैंक मिले, ना कि वो सिलेक्शन पे फोकस करे। कोटा में सारी कोचिंग्स अपनी रैंक जरूर बताएंगे कि हमारी फर्स्ट रैंक आई है, हमारी सेकेंड रैंक आई है, बट कोई भी कोचिंग अपनी सिलेक्शन रेशो नहीं बताता, क्योंकि सिलेक्शन रेशो से वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि कितनी भीड़ उन्होंने इकट्ठी करी थी उसमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ, ये कोई नहीं बताता। पीजीज की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे सपने दिखाए जाते हैं। शुरुआत में बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाता है, जब खाने की क्वालिटी होती है वो कम होती रहती है, और पीजी का रेंट बढ़ता रहता है। इन सब के बीच हम क्राउड में कब गुम हो जाते हैं, ये हमें खुद ही पता नहीं चलता। ऊपर से टेस्ट में कम स्कोर्स और पेरेंट्स का प्रेशर उनको गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। इसमें से कुछ लोग तो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज में पड़ जाते हैं। आपने देखा ही होगा, कई लोग कहते हैं एक बार ट्राई तो करके देख, फिर वो एक बार ट्राई करता है, उसके बाद फिर वो लोगों को ट्राई कर पाता है, क्योंकि ये एडिक्शन है, ठीक है। और कुछ लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेते हैं। तो बिहार के रहने वाली एक 18 साल की शेम्बुल परवीन ने, जो कि एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, जिसके टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से और पोस्टल में अच्छा खाना ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। वहीं मध्य प्रदेश से गरीब किसान की बेटी राशि ने कोटा में मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपनी जान दे दी। इमेजिन करो, एक गरीब बाप ने कितनी मेहनत करके अपनी बेटी को कोटा पढ़ने के लिए भेजा होगा, शायद वो यही सोच लेती और सुसाइड ना करती। सुसाइड्स को रोकने के लिए क्या कोटा में कोई स्टेप्स लिए गए हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो कोटा के कुछ हॉस्टल्स ने एंटी सुसाइड डिवाइस अपने फैंस में इंस्टॉल करवाए। इसमें क्या होता है कि अगर कोई उसमें हैंग करता है तो फैन आपका नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट फेल हो जाता है। पर क्या इससे सुसाइड्स कम हो रहे हैं? ऐसे डिवाइसेस से हम सुसाइड करने की वजह जो है उसको खत्म नहीं कर सकते, बट सुसाइड करने के तरीकों को कम कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से बेटर सॉल्यूशन होगा अगर हम सुसाइड करने की वजह के ऊपर जाएं, जो कि है मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रॉब्लम्स। पर अगर कोई कोटा जा रहा है तो मेरा तो उसको सिर्फ दो ही एडवाइस है कि एक तो आप एडिक्शन से दूर रहो, और दूसरा अपने फैमिली से कांस्टेंट सपोर्ट में कांस्टेंट उनसे बात करते रहो, ठीक है। रिसेंटली मैंने कोटा में एक सुसाइड का केस पढ़ा था, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। थैंक यू।